फाइनली पिंक करने का मौका मिलेगा एक गाड़ी को. लेट्स डू दिस. Got it. हमारे पास कुछ महीने पहले एक नैनो आई थी मुंबई से फॉर रिस्टोरेशन एंड दैट गॉट अस एक्साइटेड फॉर टू बिग रीजंस. पहला रीजन ये है कि आज से पहले हमने कोई भी नैनो पूरी तरीके से पेंट या रिस्टोर नहीं करी है. और दूसरा रीजन ये था कि इस पर जो हम कलर करने वाले थे वो भी हमने कभी नहीं किया था. उसका शेड का कलर मिल गया. एड पसोनम रोसा एकांटिस. ये लैम्बोर्गिनी है ना. ये तो देखा हुआ है. नॉर्मली ये भी मैं देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर ये गाड़ी कैसा दिख रहा है. ये थोड़ा मेटालिक शेड में है तो उससे थोड़ा डार्क और थोड़ा पॉप भी करेगा. वो थोड़ा सटल है. वो एकदम बेबी पिंक जैसा है. रूबी स्टार थोड़ा मरूनिश है. मतलब थोड़ा रेड टोन है उसमें. डार्क सॉलिड है वो. ये मेटालिक है. मैं दोनों के सैंपल तैयार कर सकता हूँ. पिंक में बहुत ज्यादा ऑप्शन ऐसे नहीं रहते. मतलब स्टॉक कलर्स गाड़ी के ये भी बहुत फ्यू है गाड़ी. मुझे कलर चेंज आज से नहीं करना. राइट. ठीक है. ठीक है. एक चीज कस्टमर को क्लियर थी कि उनको इस गाड़ी को पिंक ही रखना है और हम भी पर्सनली वही चाहते थे. और क्लाइंट्स जब अपनी तरफ से क्लैरिटी लेकर आते हैं तो हमारा काम काफी सिंपल हो जाता है. तो इसका सैंपल और रूबी स्टार का सैंपल. उसके अलावा अगर और कोई मुझे कलर अच्छा लगता है तो आई कैन सेंड यू फोटोज ऑन व्हाट्सएप. अगर आपको टोन अच्छा लगे तो आई कैन सैंपल दैट. I want to keep this car for long. I know Tata hai. Nahin, see, I trusting hai. Understand, sir. I understand your emotions, but we have to think about it practically as well. Let them inspect it once. नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ. हाँ. So that even the minor changes, I'm okay. See, if your chassis is gone, अगर ज़्यादा rusting वहाँ रहेगा, तो there is not much you can do about it. What is your suggestion? I know Tata का material वगैरह है. See, I want to keep this for long, and I am okay to spend something even going forward. जैसे अभी मैं कुछ करा रहा हूँ. 3-4 years, I can understand 3-4 साल के अंदर कुछ रहेगा. देखिए personally अगर मेरा recommendation आप मानोगे तो मैं बोलूँगा इतना major खर्चा इस गाड़ी पे करना sense नहीं बनता. But फिर एक emotional aspect भी आता है. अगर आप गाड़ी रखना चाहते हो, you might have some attachment. आपको नैनो हो सकता है पसंद हो तो आप रखना चाहते हो. इसीलिए 10 reasons होते हैं. जब 10 reasons वैसे होते हो तो बंदा खर्चा करता है. पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे बोलोगे तो इट डजंट मेक सेंस. अगर आपका कोई रीज़न है उसको रखने का, आपको पसंद है, आपकी वाइफ को पसंद है, या आपको चलाने में अच्छी लगती है, या छोटी गाड़ी आप रखना चाहते हो. वन ऑफ द रीज़न मुंबई में आज मिलेगी नहीं. इस मल्टीपल रीजंस होते हैं तो फिर आदमी का सेंस बनता है बनाने का. चलेगा. ठीक है सर. मैं उनसे बात करता हूं. ठीक है. ऑल राइट. थैंक यू. नैनो मैं करना चाहता हूँ. मैंने एक्चुअली एक वीडियो में डाला था कि सत्या सर की नैनो जो है वो हम पिंक करेंगे. तो ये वाले क्लाइंट ने वो गाड़ी का वीडियो देखा और बोले कि मैं मेरी नैनो पिंक कराऊंगा. तो अब आए तो हैं पर गाड़ी काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट है. मैंने उनको टाइम दिया है ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने का. उसका आई थिंक इंजन भी डाउन करना है, उसका चैसी पे भी काम करना है, उसमें रस्टिंग इश्यूज भी हैं. अब पूरे साल में हम लोग के पास बहुत लिमिटेड स्पेसेस होते हैं जहाँ पर हम ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स ले पाते हैं. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स. आई जस्ट होप इट टर्न्स आउट वेल. ये पर्ल कोट है तो 3 कोट सिस्टम है. ये 2 कोट है. बेस कोट पर्ल कोट क्लियर कोट. ओके. तो इसमें एक्स्ट्रा आता है इसलिए थोड़ा मोतिया इफेक्ट आ रहा होगा इसमें, है ना. बाहर भी देख ले क्या एक बार कलर. इसमें जो है ना ये जो आपको मेटालिक फ्लेक्स दिख रहे हैं राइट चमकीली, जब धूप पड़ेगी तो ये शाइन करेगा जहाँ जहाँ पे एंगल पे धूप पड़ेगी. एंड दिस इज सिंपल. ये सॉलिड कलर है तो इसमें मेटालिक फ्लेक्स नहीं है. दिस इज लैम्बोर्गिनी. दिस इज पोर्शे. बहुत सुंदर लगेगा ये. थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क साइड पे. आई विल गो फॉर दिस. है ना. मैंने वही कहा ना, देखे बराबर मैंने कहा ना मुझे ये चाहिए. इट विल लुक क्वाइट डिफरेंट स्पेशली एट नाइट टाइम. ये देखिए अभी यहां से देखिए. एंड दिस इज पिंक. पिंक हॉट पिंक. आई वोंट गो फॉर दैट. दिस वन. ठीक है. डन. मैं पिछले 8-9 महीने से सोच रहा हूं कोई तो ले ले. क्या होता है इट्स लिटिल फेमिनिन ना, तो वैसे कोई कराता नहीं है. एंड दैट डे आई वाज नॉट हैविंग टू थॉट्स द मोमेंट ही ब्रॉट दैट ना. लाइक वो वाला चाहिए मुझे. ठीक है. चलो फाइनली डन. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो. बुडमो आर द ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स.
आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS बोथ। इस गाड़ी पर जो एग्जिस्टिंग कलर था वो बहुत ज्यादा फेडेड लग रहा था और हम कोई ऐसा कलर चुन रहे थे जो इसमें पूरी जान डाल दे, एंड हमें वो कलर मिल भी गया। अब इस गाड़ी को देखकर हम ये तो समझ गए थे इस गाड़ी पे काम बहुत ज्यादा है, पर जब इस गाड़ी को हमने खोलना शुरू किया और उसके बाद जो हमें दिखा तो दिल थोड़ा सा ना सहम गया था और ये हम समझ गए थे कि ये प्रोजेक्ट हमारे नाक में दम करने वाला है।
गाड़ी पर डेंट्स तो ज्यादा नहीं थे तो हमारे डेंटर का काम आसान हो गया था, पर फिर भी हमारे डेंटर को बहुत टाइम लग गया इस गाड़ी को कंप्लीट करने में। और उसका रीजन था इस गाड़ी की रस्टिंग इश्यूज, जो हमें मुंबई की काफी गाड़ियों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, बट इतनी देखने को मिलेंगी ये हमने अज्यूम नहीं किया था। क्योंकि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी थी तो नए पार्ट्स मिलना ऐसे केसेस में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इस गाड़ी पर काम भी बहुत ज़्यादा था और टाइम भी बहुत लग रहा था, तो जहाँ जहाँ पर हम लोग रिपेयर कर पाए हमने रिपेयर किया। और जब गाड़ी में पैनल्स पे इस किस्म की रस्टिंग हो जाती है तो उनकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ रहनी चाहिए वो उतनी रहती नहीं है, तो हमारी भी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती कि ऐसे केस में हम पैनल चेंज करें, बट जो पैनल अवेलेबल ही नहीं होते तो उनको रिपेयर करना ही सेकंड ऑप्शन बचता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट ये रहता है कि हम अपने क्लाइंट को एक बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना के दे सकें। हमने ये सोचा कि अगर फेंडर्स नए मिल जाते तो हम फेंडर्स को भी रिप्लेस कर देते क्योंकि वो बहुत सीवियरली रस्टेड थे, बट क्योंकि वो पैनल्स मिले नहीं तो हमने इन्हीं पैनल्स को रिपेयर करके रीयूज करने का सोचा।
इस कार का रिपेयर वर्क करके जो खुशी हमें मिली है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बट फाइनली काम हो गया। और फिर हमने ये गाड़ी डाली बेस वर्क में टू कंप्लीट इट्स बॉडी वर्क एंड फाइनली पेंटेड, जो हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ अगले वीडियो में, दैट इज ड्रॉपिंग ऑन संडे विच इज 16 जुलाई। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव। ए बढ़िया, एक्चुअली क्योंकि ये कार डिस्कंटिन्यू हो चुकी थी, हमको नए बॉडी पार्ट मिलने में थोड़ा मुश्किल हो गया, बट द बॉयज प्लेड वेल एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। ए विस्की इधर आ, ए विस्की इधर आ बेटे। परफेक्ट। क्या घर पे माइक वाइक लेके प्रैक्टिस कर रहा है क्या? हैं ए बाबूराव का स्टाइल है। हमने सोचा था आया है फेडर मिल जाए। लिखा है सही में उसने ए वाई ई। हमने सोचा आया है फेडर मिल जाए। अबे वो एन हट गया वहां से, नए है वो। हमने सोचा देन, अच्छा वो एन इधर चला गया। हमने सोचा देन आया है फेडर मिल जाए तो बात बन जाए। हमने ये सोचा कि फेंडर्स को भी रिप्लेस कर दिया जाए क्योंकि शक्ति कपूर यार। मैं बीच में मन में राग बोला था मेरा, आओ आओ मैं क्या सॉरी चल दे रिटेक बॉडी वर्क एंड फाइनली पेंटेड टू कंप्लीट बॉडी वर्क। चल बोलना चालू कर। स्कूल में कोई बैठता था ना उसके पीछे जाके हाथ ऐसे रख के आवाजें निकालते थे। ये आवाज थी वो, ये आवाज थी। इस कार का रिपेयर वर्क कंप्लीट करके जो बहुत गंदी स्माइल थी मेरे चेहरे में, ऐसे दिख रहा है।